ओम श्री परमात्मने नमः। अवस्थीज आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने गुरुजी प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग गीता पर विशद व्याख्या कर रहे हैं, गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि गीता के जो श्लोक हैं वो समसामयिक रूप से क्या अर्थ दे रहे हैं और आज के समय में उनसे हम क्या लाभ ले सकते हैं और कैसे उसका अनुप्रयोग करें, ये प्रक्रिया चल रही है। इसी में एक प्रश्न आता है कि यज्ञ की प्रक्रिया पे अभी चर्चाएं चल रही हैं, तो जो लोग यज्ञ करते हैं और जो यज्ञ की सामग्री बच जाती है तो उससे परब्रह्म और परमात्मा की प्राप्ति होती है, यानी कि सुख की अनुभूति, आनंद की अनुभूति और परमात्मा की प्राप्ति, ये उसका लाभ बताया। और जो लोग यज्ञ नहीं करते हैं तो वो इस मनुष्य लोक में यानी कि मृत लोक में भी सुख नहीं पाते, दुखी होते हैं, तो उनको परलोक तो मिल ही नहीं सकता, ये जो है गीता में बात आई। तो ये किस प्रकार से है यज्ञ, किस तरीके से ये लाभ और अलाभ देता है, तो इस पर विस्तृत चर्चा के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ अपने गुरुजी से कि कृपया वो इस श्लोक को स्पष्ट करें सुधीजनों को, सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स को, जिससे कि वो भी इस अर्थ को अच्छी तरह समझ सकें और यज्ञ के लिए आगे बढ़ें और अपने जीवन को सार्थक करें। वसुदेव सुतम देवम, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। इस चैनल का अवलोकन कर रहे सभी विद्वद्वरेण्य जिज्ञासु छात्रगण एवं इस चैनल का अवलोकन कर रहे सभी सज्जन वृंद एवं संचालक एवं व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, यज्ञ की ही चर्चा इसमें भी की गई है। इसमें लिखा कि यज्ञ से अवशिष्ट जो वस्तु है वो अमृत होती है और उसका जो सेवन करने वाले व्यक्ति हैं वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। इसका मुख्य तात्पर्य क्या है? देखिए, हमारे यहां यज्ञों की जो स्थिति है, परंतु कुछ ऐसे यज्ञ हैं जो प्रतिदिन होते हैं हमारे गृहस्थों में विशेष रूप से। वो पांच यज्ञ कौन हैं? तो वो पांच यज्ञ हैं आपका देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ। तो देव यज्ञ में देव पूजन की पद्धति है, हम देवताओं का षोडश प्रकार पूजन करते हैं। इसके बाद ऋषि यज्ञ है, ऋषि में देवताओं का और ऋषियों का तर्पण करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, इसको स्वाध्याय यज्ञ के विषय में चर्चा हुई है। पितृ यज्ञ के में नित्य श्राद्ध कर्म भी होता है और नहीं तो बलि वैश्य देव होता है। तो बलि वैश्य देव में प्राण भूत बलि की स्थिति है, पितरों का और ऋषियों का इनका तर्पण है, तो जिसमें कि ऋषि तर्पण और ऋषि यज्ञ और पितृ तर्पण पितृयज्ञ होता है। मनुष्यों का में अतिथि का जो भोजन है जिसको अतिथि यज्ञ भी कहते हैं उसको। तो इस तरह से ये जो नित्य कर्म के अंतर्गत हैं, इन्हीं ये पंच कर्म होते हैं, तो इनमें हम क्या करते हैं कि अतिथि का भोजन, जब देवताओं को हम उनका पूजन करते हैं तो देवताओं को जो हम उनको नैवेद्य अर्पित करते हैं, तो नैवेद्य अर्पित करने में वो भगवान का प्रसाद होता है, तो यो भी यज्ञ शिष्ट होने के कारण प्रसाद भी अमृत के समान है। इसी प्रकार जब हम तर्पण आदि कर्म करते हैं तो तर्पण करने से क्या होता है कि हमारा जो
अन्न है, हमारा जो जल है वो सब शुद्ध होता है, तो वो भी तत् अमृत के रूप में हो गया। और इसी ढंग से जब देवताओं को हम अग्नि की आहुति देते हैं, क्योंकि नित्य हवन कर्म भी होता है, तो हवन करने से वो जितना हमारा अन्न है उसकी शुद्धि होती है। और इसी तरह से जब अतिथि संत गण कोई आकर के हमारे घर में भोजन करते हैं, तो हमारा वो जो अन्न बना है तो वो भी अतिथि यज्ञ के द्वारा अवशिष्ट जो प्राप्त है अन्न है वो उसमें जितने, क्योंकि प्रत्येक अन्न में दोष भी होते हैं, जो आप कमा करके अन्न लाते हैं तो उसमें भी अनेक प्रकार के दोष होते हैं, वो दोष समाप्त हो जाते हैं अतिथि अभ्यागत के भोजन करने से, भगवान को भोग लगा के भोजन करने से। और जो है उसके साथ साथ भी जो है कई उसमें से भाग होते हैं, जैसे हम जो है गो बलि देते हैं, गाय को अन्न अर्पित करते हैं, इसी प्रकार श्वान बलि अर्थात तो श्वान का हिस्सा, जिसको कुत्ते का हिस्सा उसको भी निकालते हैं, कौवे का हिस्सा भी निकालते हैं, चींटी और जो है चिड़ियों के भी हिस्सा को निकालते हैं। तो ये प्रत्येक भी ये इन्हीं को हम प्राण यज्ञ या भूत यज्ञ भी कहते हैं। तो इस तरह से अनेक यज्ञों का परिचालन पर जो है हमारी जो सनातन पद्धति है उसमें होता है, जिसके कारण एक व्यक्ति के द्वारा अनेक व्यक्तियों का स्वतः पोषण होता है उस यज्ञ के द्वारा। तो उस तरह से इन यज्ञों के कार्य की संपन्नता के अनंतर जो अवशिष्ट अन्न आपके घर में बचता है वो पूर्ण रूप से इसलिए अमृत का स्वरूप हो जाता है कि उसमें जितने प्रकार के दोष हो सकते हैं सब दोष उससे समाप्त हो जाते हैं। और अन्न भी जो है वो आपका वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो जब वो ब्रह्म स्वरूप हो गया तो वो अमृत बन जाता है। तो इसलिए यज्ञ शिष्ट अमृत उसको कहते हैं। और उसका जो भोजन करने वाले हैं तो उनके अंदर पूर्ण सात्विकता का संचार होता है, इसलिए जब पूर्ण सात्विकता का संचार होगा तो उनका मन, उनकी बुद्धि, उनका अंतःकरण केवल उस परमात्मा का ही चिंतन करेगा, तद्भिन्न चिंतन वो नहीं करेगा। इसलिए सनातनम ब्रह्मयान्ति, ऐसे लोग जो है सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। और जो इस तरह के यज्ञ नहीं करते हैं, कमाए स्वयं बनाए स्वयं खाए, तो हमारे यहां वेद कहता है भवति केवलादि केवलाघी, जो केवल अपने लिए बना के खाता है किसी को देता नहीं है ऐसा व्यक्ति केवल पाप को खाता है। भवति केवलादि केवलाघी, ये वेद कहता, मैं नहीं बोल रहा हूं, कि जो केवल अपने लिए बना के खाता है वो केवल पाप को खाता है। तो प्रश्न ये हो सकता है, एक छोटा सा मनुष्य है, बड़ा गरीब है, तो दो ही रोटी बनाया और दो ही लोग हैं, कुछ भी खाने को उसके नहीं है, तो क्या करे, वो किसको दे? तो वहां पर भी भगवान, वो यहाँ पर शास्त्र की आज्ञा है, कुछ नहीं तो भगवान को तुलसी दल डाल करके अर्पित करके और उसका एक छोटा सा अंशी टुकड़ा निकाल करके, और उसमें तीन टुकड़ा, इसलिए उसमें कहा जाता है जो है भू स्वाहा, ये तीन अलग से निकाल के रख दिया जाता है। तो भूत बलि भी हो गया भू स्वाहा, भूव स्वाहा, भूर पतेरव स्वाहा, ये तीन करके जब हम उसको रख देते हैं तो उससे भी वो दोष कुछ हद तक शांत हो जाता है एक सामान्य जन के लिए। भोजन की भी एक प्रक्रिया, जिसको कभी लगेगा तो हमारी जो नित्य कर्म है और संपूर्ण प्रक्रिया का उसका क्या स्वरूप है, किसी दिन इस पर एक विशेष रूप से चर्चा होगी। किंतु ये हमारा जो प्रत्येक प्रक्रिया हमारी प्रातः जागरण से लेकर के और शयन तक की जितनी प्रक्रिया है वो सनातन पद्धति में वो संपूर्ण याग के स्वरूप में है। और उस प्रत्येक प्रक्रिया से को संपादित करने वाला व्यक्ति जो है वो पूर्ण सात्विक स्वतः हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए ऐसे वातावरण का निर्माण हो जाता है। इसलिए जितने भी बाहरी तत्वाए हमारे ऊपर आक्रमण करके हमारे उस दैनिक प्रक्रिया को ही सर्वपूर्ण रूप से विनष्ट करने का उन्होंने प्रयास किया, जो हमारी ताकत थी वो हमारी ताकत इसी कारण से विलीन हो गई। तो इसलिए हमारी जो प्रक्रियाएं हैं, जो दैनिक प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं को करने से ही
हम यज्ञ श्रेष्ठ अमृत भुक बनेंगे, अर्थात यज्ञ से अवशिष्ट अन्न के भोजन करने वाले होंगे, हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, तब उस सनातन परमात्मा का हम साक्षात्कार कर सकते हैं, उसके प्रति समर्पित होकर के और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और जो इस तरह से इस यज्ञ प्रक्रिया में नहीं है, जैसे हमने बतलाया केवल आदि भवति केवल आघि, केवल अपने लिए भोजन पकाता है, केवल अपने लिए सब कुछ करता है, दूसरे के विषय में सोचता ही नहीं है, तो नायम लोकोस्ति अयज्ञस्य, उसको तो इस लोक में भी शरण नहीं है। नायम अयम लोक अयज्ञस्य नायम अयम लोक, तो जिस जो यज्ञ नहीं करता है, यज्ञ का मतलब ये जो जो कर्म है, देव पूजा है, अब जो है तर्पण है, स्वाध्याय है, मनुष्य अर्थात अतिथि भोजन है, तर्पण आदि है, नित्य कर्म ये जितने भी हैं जिनके विषय में चर्चा हुई है, पंचकर्म वो जो नहीं करते हैं वो अयज्ञ है। अब इसमें कोई ऐसा कह सकता है कि भाई संपूर्ण प्रक्रिया माले हम नहीं जानते हैं, तो कुछ नहीं जानते हैं तो भगवान के स्मरण को कर सकते हैं, भगवान का पूजन कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, एक लोटा जल भगवान सूर्य को अर्पित कर सकते हैं कि इस जल से हमारे जितने पितृगण हैं, जितने देवगण हैं वो सब तृप्त हो। जिस समय आप भोजन करने बैठते हैं एक तुलसी दल छोड़ करके और भगवान को अर्पित कर सकते हैं, कोई आपके घर में अतिथि अभ्यागत आ रहा है तो उसको कुछ भी तो दे सकते हैं। अतिथि के लिए ये नहीं है कि वो ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है वैश्य शूद्र है, भोजन के समय में कोई भी व्यक्ति उस पर आपके समक्ष उपस्थित होता है तो यथासंभव भोज्य पदार्थ उसको देना चाहिए, उससे अन्न दोष समाप्त तो होता है। पहले के जमाने में लोग जब तीर्थ यात्रा में जाते थे तो अपने साथ भोजन की सामग्री लेकर के नहीं जाते थे, जहाँ पर रुकते थे लोग कहे भाई तीर्थ यात्रा वाले आए हैं, इनका स्वागत सत्कार होना चाहिए, और गांव के लोग उनको पूरा भोजन विधिवत कराते थे, जो लोग अपने से बना के अर्थात स्वयं पाकी थे उनके लिए पूरी व्यवस्था करते थे। तो ये भारतवर्ष का स्वरूप है, यहाँ पर किसी को अन्न जो है गांठ में बांध करके ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, किंतु स्थिति गड़बड़ है, तो इसलिए अतिथियों का सत्कार करने का स्वरूप होना चाहिए, जितना आपका सामर्थ्य उतने अनुसार। ये नहीं है कि आप 10-20 अतिथि रोज सोना जो आपके पास भगवान ने दिया है उसी के द्वारा अतिथियों का सत्कार करना चाहिए और इन यज्ञों को करना चाहिए। तो इसलिए जब आप अयज्ञ नहीं रहेंगे तो इस लोक में सुख भी प्राप्त करेंगे और दूसरे जो परलोक आदि हैं स्वर्ग आदि लोक हैं उनकी भी प्राप्त उनको भी प्राप्त करेंगे। भगवान कहते हैं कि जो इन इन यज्ञों का आचरण नहीं करता है उसको इस लोक में भी उसका कल्याण संभव नहीं है। कुतोन्यः कुरु सत्तम, फिर अन्य जो लोक हैं देवादेव लोक हैं स्वर्ग आदि लोक हैं सत्य लोक हैं, ऐसे लोकों का तो उसके विषय उसको सोचना ही नहीं चाहिए कि वो लोग हमको प्राप्त होंगे। तो ये यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति इत्यादि का इसका मुख्य तात्पर्य है। तो ये एक तात्पर्य तो इसके आधार पर, दूसरा भी तात्पर्य इसका है सामाजिक रीति। सामाजिक में भी स्थिति है हमारे यहाँ जिसकी चर्चा हमने कई बार की है कि प्रत्येक व्यक्ति जितने जीव हैं वो सब पर ब्रह्म के स्वरूप हैं। निज प्रभु में देखें जगत के सन करें विरोध, तो जब हम संपूर्ण प्राणियों को हम उस भगवत बुद्धि से उनको देखते हैं उनका सत्कार करते हैं तो उस पर ब्रह्म परमात्मा की आराधना होती है, और जब वो आराधना होती है तो हमारा मस्तिष्क भी वो पर भगवानमय हो जाता है और स्वतः हमको उस पर ब्रह्म परमात्मा की उसके लोक की प्राप्ति होती है। अगर ये भाव हमारे अंदर नहीं बनता है तो एक अत्यंत सामान्य भाव होने के कारण हमको इस लोक का भी सुख नहीं मिल सकता है, तो परलोक की तो कोई कथा ही नहीं। तो ये भी एक इसका विचार समाधान हो सकता है। तो बहुत ही सुंदर विवेचन जी आपने किया। एक तो ये चीज आपने बताई कि अगर कोई वैदिक शास्त्रीय विधियों से यज्ञ नहीं कर सकता, जो आपने 5 यज्ञ बताए या दिनचर्या बताई कि पूरे दिन किस तरीके से बिताया जाता है और जो व्यवहारिक बातें आपने बताई, अगर वो नहीं कर सकता तो वो सरलतम मार्ग भी बता दिया कि इस तरीके से कर ले तो उसको वो सारे लाभ मिलेंगे, वो शास्त्र के सम्मत आपने बताई। ये तो बहुत ही अच्छा आपने बता दिया कि आपने शॉर्टकट या जो
लंबी विधियों से नहीं कर सकते, समय कम है या साधन कम है, जो आपने बताई कि साधन नहीं है बहुतों के पास, तो वो भी जो है थोड़ा सा ही मात्रा में लेके और तुलसी दल लेकर के और जल ही लेकर के अर्पित कर दें, क्योंकि भगवान ने ये कहा कि भावना के से युक्त अगर कोई मेरे को तुलसी दल या जल भी अर्पित करता है, कोई पुष्प और पत्र भी करता है, तो मैं उसे स्वीकारता हूँ, और भावना से रहित वो जो है कीमती से कीमती चीज़ को स्वीकारते नहीं। तो ये बहुत ही सुंदर विश्लेषण आपने किया। और मैं एक और सूचना देना चाहूँ जो आज मैंने व्हाट्सएप पर पढ़ी कि 21 जून 2021 को जो विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है, उसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति जी और मालवीय भवन में एक यज्ञ कर्म होगा, क्योंकि हम लोग यज्ञ पर ही चर्चा कर रहे हैं, तो यज्ञ कर्म जो है हो रहा है, जिससे कि वो इसलिए कि कोविड-19 से बचने के लिए प्रार्थना ईश्वर से होगी कि सबका स्वास्थ्य, सब स्वस्थ हों, सुखी हों, प्रसन्न हों और सभी का जो है हित हो, तो इस भावना के साथ होगा और हम लोग भी इसी भावना से जुड़े हुए हैं। तो आज की परिचर्चा हुई, अगर ये परिचर्चा आप लोगों को पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है परिजनों में शेयर करें। तो अब गुरु जी संक्षेप में जैसा कि प्रक्रिया रहती है कि बता दें कि आज जो है उन्होंने इसमें क्या परिचर्चा की, 2 मिनट में बता दें गुरु जी। आज का जो परिचर्चा है उसमें यह है कि अपने दैनिक जीवन में कैसे हम उसको यज्ञ के स्वरूप को बना करके पूर्ण सात्विकता की रक्षा करते हुए उस पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को पूर्ण सात्विक बना सकते हैं, और ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हमें उसे क्या हानि हो सकती है। तो इन्होंने कहा कि अगर हम जो हमारे नित्य यज्ञ हैं, नित्य कर्म हैं या जो विशिष्ट यज्ञ हैं उनको हम करते हैं और उनसे अवशिष्ट जो सामग्री, जो भोज्य पदार्थ या जो हमारे दैनिक जीवन उपयोगी आने वाले पदार्थ बचते हैं, वो उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करके और अपने जीवन यापन करते हैं तो हमारा जीवन अत्यंत सात्विक होता है, और सात्विकता होने के कारण उस परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के हम अधिकारी बनते हैं। अगर ऐसा हमारा जीवन नहीं है तो हम इस लोक में भी अपने को सुखी नहीं कर सकते हैं, फिर अन्य लोगों की प्राप्ति करने का तो कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि योग्यता ही वो हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए अपने को सुयोग्य बनाने के लिए जो हमारी शास्त्रीय विधि है उसके अनुसार अपने जीवनचर्या को चलाते हुए और यागादि कर्म के द्वारा अपने को पूर्ण सात्विक बनाने का प्रयास प्रत्येक मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, चाहे वह किसी भी वर्ग विशेष का हो। ये हम ये नहीं कह सकते कि फला को करना चाहिए फला को नहीं करना चाहिए, प्रत्येक मानव मात्र को, चाहे वो भारतीय हो, चाहे वो किसी विदेश का हो, चाहे वो किसी भी वर्ग विशेष का हो, किसी भी धर्म विशेष का हो, ये प्रक्रिया सबको करनी चाहिए। तो हम सभी का स्वास्थ्य की कामना, आनंद की कामना और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ये प्रार्थना ईश्वर से करते हैं और आज की वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू ऑल।